तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। फाइनेंशियल नॉलेज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है जो हम लोगों को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में नहीं बताई जाती है, और अगर इस दुनिया में टिकना है तो जनाब आपको एक अच्छी खासी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल नॉलेज की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होता है पैसिव इनकम सोर्स। पैसिव इनकम सोर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सोर्स है जहाँ पर हम लोग काम ना भी कर रहे हों तब भी हमारा कुछ पैसा आ रहा हो और हम लोग आराम से घर पे बैठकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। तो क्या इस चीज़ में मेहनत नहीं करनी होती है? बिना मेहनत के पैसा आता है? कौन से जरिए हैं, कहां कहां से पैसा आता है, ये सब तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 12 ऐसे सोर्सेज के बारे में बताऊँगा जनाब, जहाँ से आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अपने घर बैठ कर, ज़्यादा काम ना करते हुए। कि मान लो कभी आप बीमार भी हो तब भी आपके वो पैसे आते रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वही वीडियो मिस करेगा जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर, या फिर अपनी लाइफ के प्रति वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं होगा। तो वीडियो लंबी है मैं मानता हूं, पर बहुत ही काम की है, ये भी आपको मैं समझाना चाहता हूं। वीडियो जब लास्ट तक देखोगे तो आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाने वाला है कि यहां पे कौन सी नॉलेज आपको मिली है, क्या क्या सोर्सेज हैं, कहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो देखिए, पैसे कमाने का तरीका हर कोई बता सकता है पर रास्ते हर कोई नहीं बताता। मैंने यहां पे पूरे पूरे रास्ते बताए हैं, उनके बारे में बताया है, तो वीडियो को आपको आगे देखने को बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है ये सब चीज़ें। बिना समय वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे बोर्ड की स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। अब ये पैसिव इनकम क्या होता है इसको हम लोग बहुत ही डीपली में समझेंगे। ये हमारा फाइनेंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको काफ़ी लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, और यही टॉपिक हमारी लाइफ से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर करता है, और इन्हीं चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान कभी भी पैसिव इनकम के बारे में इग्नोर नहीं करेगा टॉपिक को, तो आपको भी नहीं करना है। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, थोड़ा बहुत नहीं, आपको मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा, 12 एक ऐसे सोर्सेज बताऊँगा जहाँ सर आप घर बैठे इनकम कर सकते हो। अब घर बैठे का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे का मतलब ये है कि आपको रोज कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपने मेहनत कर दी तो आपको हमेशा पैसे आते रहेंगे। तो क्या चीज़ें हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं कि हमारे जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ इनकम सोर्सेज, ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डाल दी इनकम सोर्सेज। अब ये बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, आपका एक हो गया एक्टिव, एक हो गया एक्टिव, एक हो गया पैसिव, ठीक, ये दो प्रकार के इनकम सोर्सेज हो गए। अब एक्टिव में क्या होता है कि मान लीजिए जब तक आप मेहनत करोगे जाकर, मान लीजिए आप घर से निकले, दुकान गए या कहीं पे भी गए, आपने काम किया, आपने ऑफिस में काम किया, और उस मेहनत के बदले आपको या तो प्रतिदिन या फिर साप्ताहिक या फिर महीने में आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो ये एक्टिव इनकम सोर्स कहलाता है कि आप गए, आपने मेहनत करी और आपको पैसे मिल गए। आप पैसिव इनकम सोर्स के बारे में समझते हैं कि पैसिव इनकम सोर्स क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आप गए, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि मेहनत तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी एक्टिव को देखते हुए, बस कुछ समय के लिए की, मान लीजिए आपने एक साल या दो साल के लिए ये मेहनत कर ली, ठीक है, उसके बाद में दो साल के बाद में आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनकम होता रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस जगह मेहनत करी, वो फील्ड कैसी है, वो कितना ग्रोइंग फील्ड है, कहाँ पे आपने कौन से सोर्स में यहाँ पे मेहनत करी है जो मैंने बताए हैं यहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है। पर आपके ये नहीं होगा कि आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आप निरंतर थोड़ा 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 कमाते जाओगे, चाहे आप मेहनत कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आप घर भी बैठ जाओगे तब भी पैसे आने बंद नहीं होंगे, इस फील्ड में आप हमेशा कमाते रहोगे। अब फील्ड दोनों में से कौन सी सही है, देखिए दोनों फील्ड अपनी अपनी जगह सही है, पर ये वाली जो फील्ड है इसमें थोड़ा सा धोखा वाला काम है, इसलिए मुझको उतनी सही नहीं लगती है, पर जो ये है ये सही है। अब मैं अपना यहाँ पक्ष रखना चाहूँगा, आप भी बता सकते हो कमेंट में मेरी बात कितनी सही है। अब मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, अभी आप ठीक हो, मतलब पूरी तरीके हेल्थ से सही हो, सब कुछ सही है, आप जाते हैं वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद में मान लीजिए आपको एक महीने का 10,000 रुपीज़ मिलता है, आप 10,000 में पूरा अपना एक महीने का खर्चा चला लेते हो, ठीक है, आप अपनी पूरी फैमिली में अकेले कमाने वाले हो,
और फैमिली में मान लीजिए कुछ नहीं तो सिर्फ पांच लोग हैं, ठीक है, और पांचों के अपने अपने खर्चे हैं, पांचों में आप तीन बच्चे हैं आपके, तीन लोगों को पढ़ा रहे हो, दो लोग आप हो, ठीक है, तो पढ़ाई भी रुकेगी नहीं, हर काम होते रहेंगे, खर्चे आते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी, ये सब होता रहेगा। अब मान लीजिए खुदा नखास्ता आप एक दिन बीमार पड़ जाते हो, तो आप एक दिन बीमार पड़ जाते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, और इसी तरीके से आपके कुछ नहीं तो यहाँ पे मान के चलते चार से पाँच महीने आपको बेड रेस्ट करना पड़ जाता है। अब जो आप 10,000 पर मंथ कमा रहे हो, तो मान लीजिए आप जिस भी कंपनी में काम करते हो तो उस मालिक ने आप पे दया खाकर एक महीने आपको इनकम दे दी, दो महीने दे दी, पर जब मान लीजिए 5-6 महीने यहाँ पे हो जाते हैं तो कोई भी आपको 10,000 पर मंथ फ्री के नहीं देगा, क्योंकि उसको भी कुछ वर्क चाहिए, जब तक आप वर्क करोगे तभी तक पैसे मिलेंगे, वर्क करना बंद कर दोगे आपको पैसे आने के स्रोत बंद हो जाएंगे। अब मुझे इस चीज़ का क्वेश्चंस का आंसर दो कि क्या जो आपके खर्चे थे, आपके यहाँ पे जो क्या खर्चे थे वो रुक जाएंगे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ और डीपली आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपके जो यहाँ पे खर्चे थे वो क्या बंद हो जाते हैं आपके बेड रेस्ट करने से? आपके मान लीजिए स्टडी में, आपके बच्चों के स्टडी में पर मंथ 3,000 रुपये जा रहे थे, आपके खाने पीने में कम से कम 2,000 रुपये जा रहे थे, ठीक है, और ऊपरी मतलब मान लीजिए कोई चीज़ का किराया है, बिजली का बिल है, इन सब चीज़ों में 2,000 रुपये जा रहे थे। अब मान लीजिए यहाँ पे 7,000 रुपये टोटल इतना आप खर्च करते थे, इतना यहाँ पे 7,000 रुपये खर्च कर देते थे। अब मान लीजिए साथ में आपने 3,000 रुपये पर मंथ बचाए भी होंगे तो वो आपके सारी दवाई में चले गए होंगे जब आप बीमार पड़े थे, जो भी डॉक्टर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि क्या वो जो 10,000 रुपये आ रहे थे वो तो अब आना बंद हो गए, तो क्या ये खर्चे रुके? खर्चे नहीं रुके। तो ऐसे में आपकी जो फैमिली की सिचुएशन है, ऐसे में जो आपकी फैमिली की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाने वाली है। अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि आपने कभी भी एक्टिव एंड पैसिव इनकम सोर्स में डिफरेंस ही नहीं समझा, और जिसने समझा है उसको कभी ये सिचुएशन देखने को नहीं मिली है। तो यही चीज़ मैं काफ़ी दिनों से आपको बताने की कोशिश कर रहा था, तो आज ये प्रॉपर एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो लंबी है मैं मानता हूँ, पर यहाँ पे जिस टॉपिक पे बात किया गया वो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर व्यक्ति समझदार है वो इस टॉपिक को कभी भी मिस करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्टिव इनकम के बारे में समझा कि जब तक कुआं खोदोगे तब तक पानी निकलेगा, कुआं खोदना बंद कर दिया पानी नहीं निकलेगा। पैसिव इनकम, एक बार आपने नदी खोद दी पानी बहता जाएगा, जितनी मन हो उतना पियो, जितना मन हो उतना बचाओ, हमेशा आपको थोड़ा 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 मिलता जाएगा। तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं? एक्टिव इनकम सोर्स तो आप जानते होंगे, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर लो, चाहे आप अपने खुद की दुकान कर लो, आप कुछ भी काम कर लो, वो एक्टिव इनकम सोर्सेज है। अब पैसिव इनकम सोर्सेज में आपको लगती क्या है? स्किल लगती है, थोड़ी सी नॉलेज लगती है, और थोड़ा गाइडेंस लगता है। गाइडेंस कैसा? कि आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि सोर्सेज क्या क्या है, पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या क्या है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा, नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, प्लस स्किल जो है वो आपको एक्वायर करनी होगी। स्किल कैसे एक्वायर करनी है उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे कि यहाँ पे पैसिव इनकम सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हेडिंग डाल देते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज। अब इस चैनल पर कुछ ऐसी भी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, तो मैं कुछ ना कुछ हफ्ते में 2-4 वीडियो ऐसी लेकर आने की सोच रहा हूँ, जहाँ पर आपको फाइनेंशियली मोटिवेशनली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी को जीना किस तरीके से है, ज़िंदगी काम किस तरीके करती है। पैसिव इनकम सोर्सेज में सबसे पहले हम अपने टॉपिक की बात करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट का अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो पहले से नाम सुना होगा, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि रियल इस्टेट क्या है, पर इतना इन डेप्थ मैं बताऊंगा कि आप शायद उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ कुछ नया जानने को मिला है। रियल इस्टेट में बेसिकली होता क्या है कि या तो आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मान लीजिए आपके पास 10,00,000 रुपये पड़े हुए हैं, अब ये 10,00,000 रुपये आपको जीवन भर के लिए तो कुछ मतलब होंगे नहीं, कभी ना कभी तो खर्च हो ही जाएंगे। अब इनको हम लोग कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें हैं जहाँ से ये 10,00,000 रुपये हमको थोड़े 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 करके जीवन भर मिलते रहें। तो रियल इस्टेट के अंदर हम लोग ज़मीन खरीदने की
या फिर कोई बिल्डिंग प्लाट या फिर आपका कोई भी ऐसी जगह खरीदते हैं जहाँ से हमको पैसा आना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल कि हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लाट खरीद लिया है, ये हमारा एक प्लाट है और इस प्लाट को आज हम लोगों ने खरीदा 5 लाख का, ठीक है। इस प्लाट को हम लोगों ने आज खरीदा 5 लाख का। अब जिस जगह पे जिस स्थान पे आपने प्लाट खरीदा कल का, वहाँ पे सरकार की कोई योजना निकलती है कि यहाँ से कोई एक रोड जाने वाली है, हाईवे रोड। अब जिस समय कोई हाईवे रोड जाती है या फिर कोई ऐसी जगह जाती है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब निकलने बैठने के लोगों को होता है, मान लीजिए हाईवे लोग है, हाईवे रोड है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग निकलेंगे, तो उस जगह आपकी ये प्लाट की कीमत बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए 10 साल में ये पूरा कंप्लीट होता हाईवे रोड, तब तक आपने इसको कहीं पे भी बेचा नहीं, तो यही 5 लाख कल का हो सकता है 5 लाख का प्लाट 50 लाख का। ओके, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं ये आप कमेंट में बता सकते हैं। ये चीज़ आपने भी सुनी होगी क्योंकि रियल इस्टेट हर बंदा जानता है पर इसकी इनडेप्थ नॉलेज किसी को नहीं होती है। तो हो सकता है 10 साल के अंदर आपको 50 लाख रुपये मिल जाए, पर ये भी हो सकता है कि ये प्लाट 5 लाख का ही बना रहे, या फिर हो भी सकता है कि इसकी थोड़ी सी कीमत घट भी सकती है। वैसे अभी तक का जितना देखा गया है यह तो आपकी सेम वैल्यू रहती है या फिर आपकी सेम वैल्यू से बढ़कर इतनी हो सकती है, ये चीज़ देखने को मिली है। रियल इस्टेट में थोड़ा सा घाटा होता है पर ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, इसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार किसी चीज़ को ख़रीद लिया, किसी चीज़ को डाल दिया, अब डालने के बाद वो अपने आप उसकी इनकम बढ़ रही है और ऐसा आपको 5 लाख का दुगना तिगना चौगुना आपको मिल रहा है 50 लाख में। इतना आप किसी भी चीज़ में डबल नहीं कर सकते हो, कहते ना कि मैं 1 साल में डबल कर दूंगा, तो ये 1 साल में डबल से ज़्यादा आपको करके देगा। ओके, तो आपने समझ में आया होगा कि 10 साल में 50 लाख हो रहा है तो डबल ट्रिपल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और होती है कि या तो हम लोग मान लीजिए उसी प्लाट पे थोड़े से और पैसे लगा कर किसी तरीके से एक यहाँ पे बिल्डिंग बना दें, मान लीजिए काफ़ी बड़ी हमने बिल्डिंग बना दी और उसमें हमने फ्लैट टाइप के निकलवा दिए, फ्लैट हो गया, अपार्टमेंट हो गया, ये आप समझ सकते हो इस तरीके से। और मान लीजिए एक बिल्डिंग के अंदर कुछ नहीं तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 फ्लैट हैं, पांचों को आपने कुछ नहीं तो मान लीजिए 10,000 रुपये में उठा दिया, या फिर मान लीजिए 15,000 का एक फ्लैट है, ठीक है, और 5 है आपके पास 45,000 रुपये, 15×75,000 रुपये आपके हो जाएंगे। आप 75,000 रुपये अगर आपको पर मंथ मिल रहे हैं तो कुछ बिना मेहनत किए हुए तो कहें कि ये बुरे नहीं है, आपको कोई वर्क नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, आपको किराए के तौर पर 75,000 रुपये, 15×75,000 रुपये का एक अपार्टमेंट उठा हुआ है, 5 लोगों ने ख़रीदा है, आराम से 75,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब आप इसी में और भी सोच सकते हो कि आप इसमें दुकान खुला सकते हो, यहाँ पे आप नीचे क्या कहते हैं अंडरग्राउंड कुछ करा सकते हो जहाँ से आपको और ज़्यादा इनकम मिल सकती है, या आपके माइंड पे डिपेंड करता है। तो रियल इस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा है पर कभी कभी लॉस भी देखने को मिलता है, पर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके पास पैसा होगा वही कर पाएगा, ये बिजनेस सब लोग नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपके पास प्लाट खरीदने के लिए 10 लाख रुपये नहीं है तो आप पैसिव इनकम सोर्स कैसे बनाओगे? तो रियल इस्टेट में मैंने उन लोगों को शामिल किया है जिनके पास ऑलरेडी कुछ मनी है, उससे वो पैसा बनाना चाहते हैं और या फिर पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। अब कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में यहाँ बात करूँगा, कुछ ऐसे सोर्सेस के बारे में बात करूँगा जहाँ पर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, तब भी आप पैसिव सोर्स बना सकते हो, पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। तो वो कौन सी चीज़ें हैं चलिए समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पहला टॉपिक बता दिया मैंने, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे स्टॉक मार्केट। अब ये बहुत से लोग सुनते ही घबरा जाते हैं, अरे दादा स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के बारे में बता रहे हैं, पैसा डूब जाएगा। आप सबसे बड़ी गलत फहमी में हैं। जिस इंसान को नॉलेज होती है वो इंसान पानी से भी पैसे बना सकता है। किसी व्यक्ति ने अगर कभी 1 गिलास पानी को सेल किया होता मिनरल वाटर कह के, तो आज वो तगड़ा पैसा कमा रहा होता। अब किसी व्यक्ति ने किया था तो वो कमा रहा है, आपने नहीं किया आप नहीं कमा रहे हो। इसी तरीके से आपको भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है
और स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। आपको एक मिनिमम अकाउंट रखनी है, जितना आपका अगर लॉस भी हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं है, फ़ायदा भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है तो आपको खुशी खुशी है। उतनी अमाउंट आपको टॉप 5 कंपनीज़ के अंदर लगानी है। टॉप 5 कंपनी जो इंडिया की बेस्ट कंपनीज होती हैं उन पे आप पैसे लगा सकते हो। और कब लगानी है? लॉन्ग टर्म के लिए लगानी है, लॉन्ग टर्म के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि शेयर मार्केट कभी भी इतना ख़राब नहीं रहा है जितना लोगों ने उसको दिखाया हुआ है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, पर बेसिकली मैंने जैसे कहा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, उससे पहले आपको रिसर्च करनी है यूट्यूब पे। नहीं समझ में आता आप कमेंट करो, मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड एक वीडियो बना सकता हूँ। पर मेरा यकीन मानिए कि दोस्तों ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज के बेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट की तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ हर टॉपिक को। आपको जिस टॉपिक पे ज़्यादा इनडेप्थ नॉलेज चाहिए उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर मुझे इस टॉपिक पे बेसिकली एक पूरी वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, मैं उसको ए टू जेड समझाने की कोशिश वहाँ पे करूँगा। यहाँ पे सिर्फ मैं सोर्सेज बता रहा हूँ, सोर्सेज के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको डेडिकली बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अब ये नाम आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स के मुंह से और जो आपके यहाँ पे इंस्टाग्रामर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके मुंह से। तो ये चीज़ है क्या, सही है ख़राब है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कुछ काम इस तरीके करती है कि मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है और ये मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ पर मुझे यहाँ पे कोई बाय करने वाला नहीं मिल रहा है, ये आप हो। ठीक है, पर आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको ये खरीद सकता है। अब यहाँ पे ड्राइंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको बना रहा हूँ। आपके पास बहुत से बायर्स हैं जो इसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करा दिया, ये प्रोडक्ट मान लीजिए इस व्यक्ति ने 10,000 रुपये का सेल किया, 2% में इसने मान लीजिए आपको 2,000 रुपये दे दिए। अब आपकी इसमें कोई मेहनत नहीं थी, आपको सिर्फ प्रोडक्ट उठाकर एक जगह से दूसरी जगह आपको लिंक देनी होती है, लोग उसको खरीदते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग सोर्सेज। ठीक है, अब इसमें ये कौन कौन से लोग आ सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि आपका अमेजोन हो गया। अमेजोन में आप अपना एफिलिएट अकाउंट बनाकर अमेजोन के प्रोडक्ट की लिंक आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहाँ पर भी आपकी ऑडियंस हो, जहाँ पर लोग खरीद सके वहाँ पर आपको शेयर करना है। मेसो वगैरह आजकल काफ़ी अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग करा रहे हैं, मेसो पे आप करते हो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं। फोर्थ टॉपिक काफ़ी सरल है, पैसे भी नहीं लगने हैं और आपका इनकम सोर्सेस बहुत तगड़ा वाला बनने वाला है। तो यहाँ पे फोर्थ टॉपिक क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो। किस तरीके से हम लोग मेहनत से वीडियो बनाते हैं या आपको अंदाज़ा नहीं है, पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कितनी मेहनत लगती है। फोर्थ टॉपिक है हमारा ई बुक सेलिंग। ई बुक का नाम सुना होगा, ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। अब आपके पास स्पेशल किसी भी प्रकार की नॉलेज है तो आप उसको ई बुक के रूप में सेल कर सकते हो। मान लीजिए मुझे कोई भी टॉपिक पे किसी चीज़ के बारे में पता है, मैंने उसकी एक बुक बनाई, बुक एज अ PDF बनती है, इसके बारे में भी मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा अगर आप कहेंगे। मैंने ई बुक बनाई और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको सेल कर दिया, मतलब सेलिंग पे लगा दिया, और इसकी कीमत मैंने रखी 99 रुपीज़, ओनली 99, और इसको मैंने 1,000 लोगों को बेच दिया। मान लीजिए इसको आपने बेच दिया तो ये आएगा आपका जाके यहाँ पे 99,000 लोगों का, जिसमें से 10,000 मान लीजिए आपने इसके एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए कि आपने यूट्यूब पर ऐड चला दिए, इंस्टाग्राम पर ऐड चला दिए, तब भी आपके मान लीजिए 89,000 रुपीज़ लगभग जाके आसपास बच जाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो एज अ डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे कि आप कितना कहाँ खर्च करते हो। तो ई बुक सेल कर सकते हो, ये भी आपका एक पैसिव इनकम सोर्स है। आप बीमार भी पड़े रहोगे तब भी अगर आपकी कोई ई बुक खरीदता है जाकर, आपको आराम से 99 रुपये घर बैठे मिल जाएंगे। जितनी बार कोई आपकी ई बुक खरीदेगा उतनी बार आपको पैसे मिलेंगे। और बनाने में मेहनत क्या लगती है, सिर्फ एक बार की, वन टाइम मेहनत लगती है, ओनली वन टाइम, और
पैसे और टाइम मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ये आइडिया आपको कैसे लगे आप बता सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप ई बुक के बाद में आप यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉगिंग करने के लिए पांचवा टॉपिक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पांचवा टॉपिक ब्लॉगर। ब्लॉगिंग की वेबसाइट खोल सकते हो। ब्लॉगर में होता क्या, आप स्पेशली किसी टॉपिक पे न्यूज़ देते हो, न्यूज़ वाली आर्टिकल क्रिएट करते हो और उसको आप किसी एक वेबसाइट पर डालते हो पूरी न्यूज़ को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ होती है, जब लोग उसको पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने उस वेबसाइट को एडसेंस से कनेक्ट करके रखा हुआ है, आपने कुछ नहीं तो सिर्फ मान लीजिए 200 पोस्ट डाल दी, 200 न्यूज़ के आर्टिकल डाल दिए, अब आप रात के सो भी रहे होगे तब भी अगर कोई इसे पढ़ेगा तो आपको एडसेंस उसका पैसा देगा, क्योंकि ऐड तो चलेंगे। ऐड आपके जगने या सोने से डिपेंड नहीं है, वो तो आपके कंटेंट पे डिपेंड है कि कंटेंट आपका इतने सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं इससे आपका पैसा आएगा, ऑलरेडी आएगा। आप सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैसा आना है तो आना है, ठीक। आप ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड एक चीज़ और है, आप मैं यहाँ बताता हूँ। सिक्स नंबर पे है हमारा वेबसाइट। अब आप वेबसाइट बनाकर अपनी सर्विस दे सकते हो। वेबसाइट कैसे होती हैं, आप मान लीजिए वेब ब्लॉगिंग में तो सिर्फ न्यूज़ वाली वेबसाइट आती है, आप वेबसाइट से मान लीजिए आपकी फेसबुक जैसे हो गई, ठीक है, फेसबुक हो गई आपकी, जिस पे वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के बाद इंस्टाग्राम हो गया, इन सबसे आप ऐसी कोई भी वेबसाइट, मैं इतनी बड़ी वेबसाइट बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप छोटी कोई वेबसाइट बनाकर कोई भी सर्विस दे सकते हो। मान लीजिए किसी तरीके की कंसल्टिंग दे सकते हो, आप डॉक्टर हो तो एडवाइस दे सकते हो, टीचर हो तो आप किसी तरीके को पढ़ा सकते हो उस वेबसाइट पे जाकर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट में सर्विस देकर आप कमा सकते हो। सेम ऐसे ही सेवन्थ नंबर का टॉपिक है हमारा दोस्तों। सेवन्थ नंबर के टॉपिक में क्या है, ऐप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐप्स में क्या होता है, ऐप्स में मान लीजिए इस समय एंड्रॉयड की जो मार्केटिंग है, एंड्रॉयड जिस समय आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, अगर आप आईफोन नहीं यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ग्राफ जिस तरीके हम लोग देख रहे हैं तो एंड्रॉयड की मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बूम कर रही है। अब ऐसे में अगर आपका भी कोई ऐप बना हुआ है और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तो मिलियंस ऑफ डाउनलोडर्स आपको मिल सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करने वाले, और उस पे आप मान लीजिए प्रीमियम मेंबरशिप लगा सकते हो कि आपको कोई ख़रीद कर पैसे देगा, या फिर आप उसमें एड्स भी लगा सकते हो, उसका भी आपको रात के सोते समय भी पैसा मिलेगा, रात को सोते समय भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि आप मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक पे है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंस्टाग्राम पेज। थोड़ी देर पहले मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की बात की थी, उसी से रिलेटेड है कि आप अगर एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हो और अच्छा खासा इंस्टाग्राम पे आपकी रीच है, मान लीजिए मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स आपके अकाउंट पे आप कर लेते हो, तो आपको क्या क्या मिल सकती है, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, स्पॉन्सरशिप, उसके बाद में आपको स्पॉन्सरशिप के बाद पेड प्रमोशंस मतलब रिव्यू वगैरह मिल सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक्स आप शेयर करके कमा सकते हो कितनी ज़्यादा हो पे, ठीक है। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पेज जैसा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे नाइन्थ नंबर का टॉपिक FB का पेज बना लो, फेसबुक पेज, ठीक है। फेसबुक पेज में क्या है, आप वीडियो डालकर कमा सकते हो, डायरेक्ट फेसबुक भी आपको पैसे देता है उससे भी कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो इतने सारे इनकम सोर्सेज हैं, मतलब एक तो आपका क्या कहते हैं कि डायरेक्ट आप कमा सकते हो फेसबुक से, दूसरा आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो, तीसरा यहाँ पे आप एड्स और किसी भी चीज़ के स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हो, ठीक है, जितना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है 10th नंबर का, जो कि काफ़ी धमाकेदार टॉपिक है, जो मैं खुद कर रहा हूँ अभी आपके सामने, आप समझ गए होंगे, यूट्यूब। आप यूट्यूबर बन सकते हो। यूट्यूबर बनने के बाद में आप अपनी नॉलेज को यूट्यूब पे शेयर करके वीडियोस बनाइए, इसमें आपको एडसेंस से डायरेक्ट काफ़ी सही इनकम हो जाती है, कोई लोग कहते हैं कम होती है पर मैं कहता हूँ ठीक ठाक हो जाती है, जीवन यापन कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है अच्छी खासी, वो लोग ज़्यादा कमाते हैं जो लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ, वो भी आगे चल के लूँगा, वो बात अलग है। स्पॉन्सरशिप के बाद में आप यहाँ पे अगर ब्लॉगर हैं तो आपको कहीं पे कोई दुकान किसी ने खोला, कोई रेस्टोरेंट खोला, तो उसको रिव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसके लिए पैसे मिलते हैं।
आप यहाँ पे भी एफिलिएट मार्केटिंग तगड़े से कर सकते हो ऑडियंस के साथ। तो ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। यूट्यूबर के पैसे के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा नेम मिलता है, उसके बाद में आपको फेम भी काफ़ी मिलता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है एज अ यूट्यूबर, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो इतने ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि YouTube के बाद में अगर आप आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, अब आप आर्टिस्ट में क्या क्या चीज़ हो सकते हो। एज आपको सिंगिंग अच्छे से आती है तो आप सिंगर हो, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ, डांसर हो, स्पीकर हो, अच्छे बोल देते हो, ठीक है, इतनी कोई भी चीज़ है इनमें से, तो आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। फ्रीलैंसिंग क्या होता है, घर बैठकर आप अपनी चीज़ को दूसरे को सिखा सकते हो और उससे बदले पैसे कमा सकते हो। तो फ्रीलैंसिंग के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। आपको कुछ भी आता हो आप फ्रीलैंसिंग के ज़रिए, चाहे आप किसी वेबसाइट पर, मान लीजिए जैसे अपवर्क है, आप अपवर्क पर जाकर सिखाइए और घंटे के हिसाब से, हावर्स के हिसाब से पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, हावर्स के हिसाब से पैसे मिल सकते हैं। या फिर आप इसी चीज़ को यूट्यूब पे ला सकते हो तो यूट्यूबर बन सकते हो। तो इतना आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर 12th नंबर का टॉपिक है जो कि लास्ट है और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, शायद करना भी चाहिए, इससे फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हो। कोर्सेज किस टाइप के, मान लीजिए आप यूट्यूब को अच्छे से जानते हो तो यूट्यूब का कोर्स ला सकते हो, आप इंग्लिश बोलना जानते हो तो आप स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ला सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आजकल बहुत बिकता है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कोडिंग जानते हो तो कोडिंग रिलेटेड कोर्स जानते हो तो आप बना सकते हो। आप एक टीचर हो तो आप JEE का, नीट का या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी करवा सकते हो कोर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्सेस बन सकता है। ये कोर्स मान लीजिए 500 रुपये का भी आप बेचते हो, 1000 लोगों को बेचा आपने, तो यहाँ पे आपको 5,00,000 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इनकम हो सकती है। तो 500 रुपये से लेकर आप 2000 तक का इस कोर्स की कीमत रख सकते हो। ये आपके कोर्स के अंदर कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको कुल 12 सोर्सेज ऐसे बताए हैं जहाँ सर आप पैसिव इनकम कर सकते हो, कि मतलब एक बार इनमें मेहनत कर ली तो आपको हमेशा के लिए पैसे घर बैठे आते रहेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, और इस कमेंट में जाइए कि ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मुझे बताइए, मैं ऐसी वीडियो और लाना चाहता हूँ। और अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाते जाते इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।